दोस्तों 21 सेंचुरी में हम इंसान एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हर दिन दुनिया भर में यात्राएं करते हैं, मानो आज दुनिया सिमट सी गई हो, क्योंकि हमारी मैसिव मशीन के कारण हम कहीं भी आसानी से पहुंच सकते हैं। पर यहाँ पर एक खतरा भी है, वो ये है कि अगर कोई वायरस इस डिजिटल वर्ल्ड में आता है तो हम ह्यूमंस की कंडक्टिविटी के कारण वो आसानी से दुनिया में फैल सकता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस की, जो पिछले कुछ दिनों से दुनिया में तेजी से फैल रहा है। चीन में कोरोना वायरस से अब तक 425 लोगों की मौत हो चुकी है और 2438 लोग अभी तक इन्फेक्ट हुए हैं। लोगों की कंडक्टिविटी के कारण यह कई देशों में फैल गया है। एक्सपर्ट की माने तो कम से कम 20,000 से ज्यादा लोग अभी तक इस वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं। यदि 100 लोगों को यह वायरस से इन्फेक्ट करता है तो उनमें से एवरेज 2 की जान चली जाती है। लोग चीन जाने से डर रहे हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि पूरे एशिया में फैलने वाला ये घातक नया वायरस जितना समझा गया था, ये उससे कहीं ज्यादा संक्रामक है। जो भी इस वायरस के कॉन्टेक्ट में आता है वो इसे सिर्फ नॉर्मल खांसी व छींक के साथ फैला सकता है। दोस्तों अब जानते हैं कि आखिर क्या है ये कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो जानवरों और इंसानों को बीमार कर सकता है। ये एक आरएनए वायरस है, जिसका मतलब ये है कि यह एक शरीर के अंदर कोशिकाओं में टूट जाता है और उनका उपयोग करके खुद को दोबारा से बनाता है। चीन के वुहान से फैला ये वायरस पहले कभी भी नहीं देखा गया, इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी भी नहीं मिली है। एक्सपर्ट की माने तो कोरोना वायरस एक ऐसे वायरस के परिवार से आता है जो हम ह्यूमंस, मवेशियों, सूअरों, मुर्गियों, कुत्तों, बिल्लियों और जंगली जानवरों को इन्फेक्ट करता है। जब तक इस नए कोरोना वायरस की पहचान नहीं हुई, तब तक हम ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने के लिए केवल 6 अलग अलग कोरोना वायरस थे। इनमें से 4 एक हल्के आम जो सर्दी की बीमारी के कारण बनते थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यह वायरस सी फूड से जुड़ा है और इसकी शुरुआत चाइना के वुहान शहर के सी फूड बाजार से हुई है। कोरोना वायरस विषाणुओं के परिवार का है और इससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। यह वायरस ऊंट, बिल्ली और चमगादड़ के साथ कई पशुओं में भी प्रवेश कर सकता है। WHO ने इस बात की इन्फॉर्मेशन दे दी है कि यह वायरस एक ह्यूमंस से दूसरे ह्यूमंस में भी फैल सकता है। तो दोस्तों कैसे फैलता है ये वायरस? ये बीमारी सिर्फ खांसी और छींक के जरिए लोगों में फैल सकती है। इसका मतलब कि ये वायरस बेहद आसानी से किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसके अलावा यह एक लार के जरिए या फिर नजदीकी कॉन्टेक्ट में आने से या फिर हमारे बर्तन शेयर करने से फैल सकता है, क्योंकि यह हमारे फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है। इसलिए खांसते टाइम मुंह से निकलने वाली बूंदें भी सामने मौजूद व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकती है। तो इसके क्या लक्षण हैं? इस वायरस से इन्फेक्ट होने के कम 14 दिनों बाद इसके लक्षण दिखने शुरू होते हैं। कोरोना वायरस के मरीजों में आमतौर पर जुकाम, खांसी, गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, बुखार जैसी शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद ये लक्षण निमोनिया और किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। इस वक्त कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है। एंटीबायोटिक मेडिसिन वायरस से नहीं लड़ती, इसलिए इनका यूज करना भी बेकार है। हालांकि एंटीवायरल ड्रग्स काम आ सकते हैं, लेकिन नए वायरस को समझने और उसका समाधान निकालने के लिए कई महीनों भी लग सकते हैं। अभी तक कोरोना वायरस का सोल्यूशन पाने के लिए कोई ऐसी चीज उपलब्ध नहीं है जिससे इसका पक्के तौर पर इलाज हो सके। इस वायरस के इलाज के लिए कोई भी अच्छी से अच्छी मेडिसिन तैयार करने के लिए वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली तो वीडियो को लाइक करना, और हमारा चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।